बताओ पूरा दिन मिलकर कितना घंटा होता है? सिर्फ 20 ही घंटा होता है। बोले 8 घंटा सो काफी है कि 8 घंटा काम करो, बात मत करो, पक्का कसम 8 घंटा काम करो और 8 घंटा क्या करो? 8 घंटा हरिनाम करो। बोले 8 घंटा काम करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ऑफिस में जाना पड़ता है, वहां पर बैठना पड़ता है। बोले 12 घंटा की दस 12 घंटा से ज्यादा कोई ऑफिस या काम करते हैं? कोई करते हो 12 घंटा से ज्यादा कोई ऑफिस या काम करते हो? अगर 12 घंटा अगर ऑफिस या काम करते हो फिर 6 घंटा सो, फिर 7 घंटा सो जाओ, तब भी देखोगे ना आपके पास में 7 घंटा तो भी बचता है। कितना घंटा बचता है? तब भी आपके पास में 7 घंटा बच ही जाएगा अगर इधर उधर करके करो तो बच ही जाएगा। लेकिन हमारे जो मन है ना वो इतना दुष्ट है, सारे काम के लिए तो समय निकालते हैं। शादी के लिए जाना 10 दिन पहले बैठा रहे, कैसे कैसे ड्रेसिंग करके मैचिंग का, कौन सा जूता कौन सा घड़ी कैसे कपड़े पहन करके हम जाएंगे शादी। सिनेमा अगर कहीं गंदी गंदी सिनेमा आती है ना उसके लिए तो पहले समय निकाल देता, इतना सारे काम के लिए ये मन समय निकाल देता। लेकिन जब उसको हरिनाम की बात बताओ इतने बहानाबाजी, उसको इतने बहानाबाजी करना शुरू कर देता है, अरे ये काम पड़ गया था, अमुक काम था, क्या नहीं था है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना मन को जुटी लेकर के 100 बार मारो, ये प्रभुपाद कहते थे। कि वो जानते हैं ना हमारे मन का क्या स्थिति है, अपना जुटी लो और मन को क्या करो, 100 बार पिटाई करो। क्यों? ये मन को समझाओ जो दिन भर भगवान की कथा सुनना, स्मरण करना, उनका चिंतन करना, भजन करना, गलती चीज में मन नहीं लगाना है। अगर हम कोशिश ही करें ना, अगर ज्यादा अगर हम सेवा करते हैं 1 लाख नाम तभी कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले हाथों में जो कुछ कर ठाकुर का सेवा मान करेगा, लेकिन काम तो मुंह से नहीं कर रहा ना, काम तो मुंह से नहीं कर रहा ना, काम किससे कर सकते? हाथों में काम कर रहे सेवा करता हूँ। इसलिए महाप्रभु इसलिए बोले कि शायद एक लाइन कि शायद कि भोजन कि बार जागर आहार विसर्जित कृष्ण बोला सोते उठते बैठते हर समय क्या करो, हरिनाम करो। अगर हाथ में काम करो हमें तो नाम कर ही सकते, कोई दिक्कत है क्या? पता कोई दिक्कत है? लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आपद तापल पचाल पालते पार। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं अगर दूसरा भी बात हो ना, हमने कितना बड़ा भूत देखा था, देखना जोश आ जाएगा, अरे हमने वहां पर इतना बड़ा भूत देखा था, बोले हमने वहां पर इतना बड़ा सांप, अरे हमने वहां पर तो इतना इतना जोश आ जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आपद तापल पचाल पालते पार, अगर दुनिया की कोई बात हो हमारी अंदर में कमी। आप बताओ ये हरिनाम की कमी ना
शक्ति में ही कृतज्ञता है, शक्ति में ही। तब श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं, पहले तो हरिनाम कुछ करते हैं लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं। बोले जैसे हरिनाम करनी चाहिए ना, हम वैसे हरिनाम नहीं करते। जैसे करनी चाहिए, इसलिए आप किसी बिजनेस करो, आप उसमें भक्ति जो है ना, इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन भरत सवायो पायो जी में राम रतन धन पायो। मीरा कहती है ये धन बढ़ती रहती है, धन धन घटती नहीं, बढ़ती रहती है, पर इसमें कभी किया। तब से हरिदास ठाकुर कहते हैं, देखो कुछ समय था, अगर 1 लाख हरिनाम कर भी नहीं सकते हो ना, कुछ समय और बचने के लिए निकालो। निकाल कर कैसे हरिनाम करनी चाहिए वो बता देंगे। कुछ एक जगह पर बैठो, हरिनाम करने का जो नियम है ना, नियम है जैसे हरे कृष्ण अरे तुम क्या कर रहा, हरे राम इधर आओ, हरे कृष्ण तुम खाओ खाना, कभी ये हरिनाम करने का तरीका नहीं। इसलिए 10 तरह का अपराध में उसमें एक अपराध है हरिनाम करते समय हैं दूसरे चीज को चिंतन करना, ये एक अपराध, ये एक अपराध है। इसलिए नियम है, क्या नियम है, इसलिए कहते हैं हम तो संसार में दिन भर रो ही रहे, बताओ संसार में कौन नहीं रो रहा है, संसार में ऐसे कोई व्यक्ति जो रो नहीं रहे, कोई तन से रो रहा है, कोई धन से रो रहा है, कोई बीवी से रो रहा है, कोई पति से रो रहा है, कोई ननद से रो रहा है, कोई सास से रो रहा है, कोई मन से रो रहा है, कोई पड़ोसी से, कोई काम से रो रहा है, बताओ कौन नहीं रो रहा है संसार में। कहते हम तो संसार में रो ही रहे सब, और हम तो साधु संतों के पास में इसलिए आते हैं भैया हम जो संसार में रो रहे हैं थोड़ी सी शांति और सुख मिले, लेकिन ये कह रहे हैं रोना सीखो, ये कहते रोना सीखो तो समझ में नहीं आया, वो तो सुन करके चले गए लेकिन रात भर चिंतन करते रहे। बोले महाराज कह रहे थे रोना सीखो, भैया आप तो ऑलरेडी रो रहे हैं और क्या रोना सीखेंगे, कितने रोएंगे और संसार में है दूसरे दुनिया। हाँ कहते बोले गुरु जी आपने क्या बताया हमारे समझ में नहीं आया, आप कह रहे हो रोना सीखो इसका मतलब क्या है। गुरु जी ने कहा देखो जब तक बच्चा नहीं रोता है ना तब तक मैया उसको दूध नहीं पिलाती, उसको दूध पीने के लिए रोना पड़ता है, तभी मैया उसको पता चलता बच्चे को भूख लग गया उसको दूध पिलाओ। इसलिए जब तक तुम रो रो करके हरिनाम नहीं करोगे, इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना नयनम गलदस्त धारया है, नयनम गलदस्त धारया बदनम गदगद रुधया गिरा उल्लल कर विचितम प्रभु कदा तब नाम ग्रहण कर सकी। बोले हे प्रभु कब ऐसे दिन आएगा, बोले कौन सा दिन है, बोले जब तेरे नाम को लेकर के आंखों से आंसू की झड़ी बहने लगे, हृदय गदगद हो जाए, शरीर के रोगे खड़े हो जाए हैं। बोला पिछले भक्ति में ठाकुर बोले कबे हमें बोलो सिद्धि नाम, भक्ति में ठाकुर कीर्तन लिखते हैं बोले अपराध रुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हवे हृदय तो मार कबे हवे बोलो सिद्धि नाम। बोले प्रभु कब ऐसे दिन आएगा, कौन सा दिन है, बोले जब तेरा नाम लेते ही आंखों से आंसू की झड़ी बहने लगते हृदय गदगद हो जाए पुलकित हो जाए हैं, तब ऐसे दिन आए। इसलिए श्री बापन गोस्वामी महाराज ने बताया बोले बेटा रो रो करके हरिनाम, रो रो करके हरिनाम कर। इसलिए हमें कुछ समय एक जगह पर बैठ थोड़ी समय निकाल करके एक जगह पर बैठ करके हृदय से रो रो करके अपने स्वयं देता है। हम भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज कुछ दिन में हमने उनकी बिजनेस सेवा की,
गुरुदेव क्या कहते थे, एकदम समय पर उठ जाता था, 2:30 बजे उठ जाएंगे और हाथ मुँह धो लेंगे और अपना बिस्तर में बैठ जाएंगे और गुरुदेव माला ले लेंगे हृदय से हरे कृष्णा। नियम यही है, हरिनाम करने का नियम यही है, क्योंकि ये जो हरिनाम है ना, ये सबके सब समर्थ संबोधन पद है। संबोधन समझते हो, जैसे किसी चीज को पुकार, किसी व्यक्ति को पुकार, किसी व्यक्ति को आह्वान कर, हाँ ये सारे शब्द संबोधनात्मक पद है। हाँ किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को जैसे आप पुकार कि हरे कृष्ण जो महामंत्र, ये श्लोक है, ये पूरी एक श्लोक है, इसमें सब संबोधन पद है। इसलिए बोलते हे राधे, हे कृष्ण, हम आपका ही नित्य सेवक है, लेकिन आपको भूलने का वजह से हमने ये संसार में आकर के ये 84 लाख जन्म में हम भटक गए। हे ठाकुर जी, पुनः कृपा करके अपना चरण की हमें सेवा करना। ये इसका एक एक अर्थ भी है, जिसको श्री भक्ति कृष्ण ठाकुर जिसका अर्थ लेते हैं, लेकिन उसका तो और अर्थ का बहुत तरह का अर्थ है। लेकिन पहले जो हरिनाम करना पड़ेगा ना, पहले किसी भाव से हमें हरिनाम करना पड़ेगा। आगे की जो भावना जब हमारी स्थिति ऊंची होगी, फिर उस भावना आगे की भावना, लेकिन पहले जिस भाव से हरिनाम हमें करनी चाहिए, इसी भाव से हमें करनी चाहिए। एक जगह पर बैठ कुछ समय बैठे और रो रो करके हृदय से पुकार पुकार करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कुछ दिन बैठ कर हरे नाम करो, जैसे कभी कभी होता है ना, पहले तो उत्साह में, जिसको भी सुना चक्र खा कहते हैं ना, पहले तो उत्साह में फिर धन करना, फिर धीरे 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 भाव पीछे पीछे उतरने लग जाते। पहले जब आते हैं बाबा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक चुन मठा पी करके भजन किया, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी एक एक वृक्षों को एक एक दिन रह कर भजन किया, हम कैसे भजन करेंगे? एक चुन मठा पिएंगे और 3 बार भजन करेंगे, पहले एक लाख एक लाख हरिनाम करेंगे। लेकिन देखना कुछ दिन बाद में फिर जब शरीर चलता है धीरे 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 जो खाना हो गया था फिर वो धीरे धीरे तरल हो गया, फिर धीरे धीरे वो भावना नीचे उतर उतरते उतरते कितने उच्च स्तर जाती है, कभी कभी माला कभी कभी छूते नहीं, माला जागता कभी कभी चूहा उसको घोसला बना देता, जीवन उसमें घोसला बना देते हैं। इसलिए अगर हम सही सही भजन करेंगे ना, आप देखना कभी ये माला दुनिया छूट जाएगी, एक दिन तो दुनिया में छुटेगा ही, लेकिन माला तुम्हारे लिए छुटेगी। कब नहीं छुटेगी? जब ठीक ठीक से हम हरिनाम करेंगे, जब सही सही आंखों से आंसू बहाते हुए रो रो करके हरिनाम करेंगे, ठीक है ना? कैसे करनी चाहिए? रो रो करके थोड़ी सी समय निकालो। जब हम एक जगह पर बैठेंगे, बैठ करके थोड़ी समय हम हरिनाम, फिर दिन भर अपना माला पूरी करने के लिए इसलिए कभी भी चलते समय हरिनाम कर लेते, लेकिन कुछ समय हमें निकालनी चाहिए। अगर ऐसे हरिनाम करोगे ना, कभी जिंदगी में कभी आपका हरिनाम नहीं छूटेगी, कभी जिंदगी में छूटेगी है, कभी नहीं छूटेगा हरिनाम। इसलिए श्री गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव इसी श्लोक को प्राय करके व्याख्या करते, हमने देखा जहाँ थोड़ी शब्द में शास्त्र का सारांश बोलना है, गुरुदेव यही श्लोक को बोलते थे। तन्नाम, पहले क्या करो, भगवान के नाम का प्रति तुम्हारी रुचि हो, है। इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर तुमको किसी बिजनेस में जाओगे, गुरुदेव कहते थे तुमको 1 लाख रुपया तुम्हारी प्रॉफिट हो, एक दिन में तुम्हारी 1 लाख रुपया प्रॉफिट होगी। अगर आपको रात को 2 बजे जाना है ये बिजनेस में, अब फिर क्या करोगे? देखना रात भर सोते नहीं, सोते नहीं ना, दिन भर जाकर सोते नहीं, वहीं पर रेल है, आप स्टेशन में बैठते रात भर सोए नहीं,
क्यों 1 लाख रुपया प्रॉफिट पे, अरे अगर 10 लाख रुपया मिले फिर बात के, अगर 1 करोड़ रुपया मिले फिर तक भले ही ग्रोथ चाहे ना, फिर सोए नहीं की बात देखना, पूरा 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 बीत ही हो जाती है। तो गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहते थे मेरी हरिनाम में बात छोड़ी नहीं रुचि हो रही। गुरुदेव कहते थे कारण ये अभी हमें पता नहीं है हरिनाम है क्या। गुरुदेव जी कहते तुम्हें पता नहीं ये हरिनाम है क्या जी है। गुरुदेव एक बार कह रहे थे गोवर्धन मठ देखा है हमारे जो कौन कौन देखे गोवर्धन मठ सब देखे बताओ तो गोवर्धन मठ में कितना पैसा लगा बता। 25-30 करोड़ रुपया उसमें लगा, 25-30 करोड़ रुपया लगा वो मंदिर बनाने के। गुरुदेव बोलते थे अभी इतना बड़ा मंदिर बनाना साधारण बात नहीं, आप देखना 3 घंटा 9 घंटा 10-10 घंटा 25 साल तक पढ़ाई करना था, उसके बाद में कितना 10-10-12 महीना बीत देते तब भी अपना संसार को मेंटेन नहीं करना, पत्नी भी काम करती पति भी काम करता है, बेटा भी काम करती बेटी भी बहू भी इतना पूरा परिवार काम करती, लेकिन तब भी संसार का प्रभाव काम पूरी नहीं कर पाते। गुरुदेव की बात है, गुरुदेव सोचते थे जब मैंने तुलसी को सामने रखते ध्यान दे गुरुदेव और एक बात है जैसे हमारा मन इधर उधर भटकता है, अगर ये मन नहीं भटके उसके लिए क्या करें, बोले सामने तुलसी वृक्ष रखें, सामने तुलसी वृक्ष रखें, तुलसी वृक्ष को रख करके तुलसी को सामने बैठ कर क्यों तुलसी साक्षात वृंदा आई तुलसी देख रही प्रिया ही के सब सचा कृष्ण की प्रिया और तुलसी में भगवान की निवास है और हत्याविहीन अपराध लग सही कितना सीता माज तरह बन गई कृपा मई त्वाम सरण प्रवन वृंद नमस्ते जरा वृंदा देवी को ने जो हमारे सारे अपराध को दूर करके हमें जो कृष्ण प्रेम हमें प्रदान करने वाले, इसलिए गुरुदेव तुलसी वृक्ष को सामने रख कर गुरुदेव हरिनाम करते हरिनाम। तो गुरुदेव बोलते थे जब गोवर्धन मठ बन रहा था चिता था ही गुरुदेव कहते थे मैं जब हरिनाम करता था तब तो दिमाग में आता था इतना बड़ा मंदिर कैसे बनेगा, 30-30 करोड़ रुपया इसमें लगा, 30 करोड़ रुपया इसमें लगा, आप देखना कितना कितना चिंता। तो गुरुदेव बोलते जब मैं हरिनाम करता था ना कभी कभी चिंता करता था कितना बड़ा मंदिर कैसे बनेगा कैसे बनेगा, हरिनाम करता था तो कभी चिंता में आता था। गुरुदेव बोलते थे पता नहीं पैसा कहाँ से आता था, मैं पता ही नहीं चलता कितने लोग कहाँ से लाख लाख रुपया है लाख नवदीप बैठ गए कितना बड़ा मंदिर है। गुरुदेव बोलते थे पता नहीं जब मैं हरिनाम करते करते कोई चीज को चिंता करता था ना पता नहीं कहाँ से पैसा आती थी करोड़ों करोड़ रुपया आ जाते थे आसानी से, इतने बड़े बड़े मंदिर गुरुदेव ने हम लोगों के गुरुदेव ने इस सारे मंदिर को गुरुदेव ने बनाया। इसलिए गुरुदेव कहते थे अभी ये हरिनाम में हमारी रुचि क्यों नहीं होगी, बोले श्री राधा रमण लाल की। गुरुदेव कहते थे अभी ये हरिनाम में तुम्हारी रुचि क्यों नहीं हो रही, कारण है अभी हरिनाम की महिमा हमें पता नहीं, पता पैसा की महिमा, इसलिए पैसा के लिए हम इतने पीछे क्यों, पैसा के लिए 10-10 घंटा 12 घंटा पैसा की कीमत हमें पता है लेकिन हरिनाम की कीमत हमें पता नहीं, तभी हम इसमें समय नहीं देते। इसलिए एक श्लोक में बताया ना नाम चित्ता बोलो जोर से बोलो श्लोक बोलो बहुत बहुत बोले अजर जोर से बोलो बोलो नाम अब तुम बोलो मैं पहला जो बोलते हैं याद रखना बोल सब जोर से बोलो। इसमें बताया नाम चित्ता मणि कृष्ण चैतन्य रस विक्रम पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम, ये हरिनाम को क्या बताया नाम चिंता ये चिंता बोले चिंता में मतलब क्या बोले जो चिंता करो जो मांगो वो हो ही गया। इसलिए उदाहरण गुरुदेव देते हैं देखो मैंने पहले भी बताया और एक बात बता देना सुनो
जैसे आप एक थाली लेकर के जा रहे हो, खाली थाली तुम्हारे पास, चलते चलते आपने देखा 100-100 रुपया की गड्ढी के गड्ढी रास्ता पड़ा है, जिसका कोई मालिक नहीं, बताओ आप क्या करें? जिसका कोई मालिक नहीं, एकदम रास्ता में बिखरा हुआ, आपके पास में एक बड़ी थाली है, क्या करोगे? अरे बोलो क्या करोगे? आप जितना हो सके ना उसमें भरोगे, जितना हो सकता है उसमें भरोगे। लेकिन और जब थोड़ी दूर गए, देखा तुमने 500-500 रुपया गड्ढी में भी पड़ा, फिर क्या करोगे? फिर जो 100-100 रुपया गड्ढी से निकाल, देखो जब 500-500 रुपया की गड्ढी पर 100 रुपया क्या करोगे उसको? तुम देखो कि फिर 500-500 रुपया करोगे। थोड़ी दूर गए तो 2000-2000 गड्ढी के गड्ढी मिला, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे बताओ? फिर आप उसको भी फेंकोगे, फिर उसका अंदर क्या करोगे? उसका अंदर है तो 2000-2000 रुपया कट गया। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, वहाँ पर आपको चीज हीरे जवाहरात एक तो बिखर कर दी है, हीरे जवाहरात मिला, फिर क्या करोगे? उसको भी फेंकोगे। तो थोड़ी सी अगर हीरे जवाहरात ले लिया माला, अगर और थोड़ी दूर गए आपको 1200 पत्थर मिला, 1200 पत्थर जानते हैं जो लोहे को जो सोना बना, फिर क्या करोगे? बोले भैया केवल लोहे लाओ, टच करा, सोना सोना ही मिल जाए, फिर उसको भी फेंकोगे, 1200 पत्थर लेके भेजा है। लेकिन और जो थोड़ी आगे गए उससे भी कितनी चीज मिला, जिसको भागवत में कहते श्यामा तक अपनी, भागवत में कथा थी कि सूर्य देवता जी श्री सत्य भगवान जी को पिता सतराज जी को उन्होंने दिया था, उस समय तक में उसमें रोज रोज अष्टभार सुवर्ण अपनी आप निकलता है, सोने की चटान अपनी आप निकलता है अष्टभार। फिर क्या करोगे? बोले भैया 1200 पत्थर की क्या जरूरत है? लोहे लाओ, टच कराओ, सोना बनेगा, इस तो अपने आप सोना निकलता है, फिर उसको लेकर जाओ। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिला है, और इसका नाम क्या है बताओ? क्या उससे भी कीमती चीज हो सकता है दुनिया में? लेकिन भागवत कहता है नाम चिंता मणि, उसको बाद में चिंता मणि मिला। बोले चिंता मणि मतलब क्या? क्या चिंता मणि मतलब जो श्यामंतक मणि केवल आपको सोना ही देगा और कुछ नहीं देगा। अगर बोले आज बढ़िया खाने की इच्छा नहीं देगा, बढ़िया मकान में रहे तो नहीं देगा, बढ़िया कपड़े चाहिए वो नहीं देगा, वो केवल देगा क्या देगा? वो केवल सोना ही देगा। लेकिन चिंता में क्या देगा? बोले जो चिंता करोगे, जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा, ये चिंता नहीं से। इसलिए भागवत में हरि नाम को क्या होता है? नाम चिंता नहीं, ये चिंता नहीं है, इससे जो मांगोगे ना वही मिलेगा। अभी प्रश्न है, बोले हमें क्यों नहीं मिल रहा? हम भी तो हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन हमें हरि क्यों नहीं मिल रहा है? कारण है, हरिनाम करने के लिए उसने नियम है, अपराध से मुक्त हो करके हरिनाम करना है। अपराध से 10 तरह का नाम अपराध है, किसी वैष्णव का निंदा मत करो, गुरु जी की अवज्ञा मत करो, भगवान का नाम को साथ में कोई पुण्य वस्तु को बराबर मत करो, भगवान के साथ में ब्रह्मा शंकर जी की कोई देवता का बराबर नाम मत करो, नाम की महिमा जो बताया गया उसको मत समझो, बड़ा चढ़ा करके बता दिया, ये शरीर का प्रतिबिंब मेरा बुद्धि मत रखा करो, ये सब अपराध है। तथा अगर ये अपराध को छोड़ करके अगर हरि नाम करोगे, इसलिए उसमें और एक चीज है, एक नाम अपराध है, उसमें एक नाम आभास है और एक नाम अपराध है और एक है शुद्ध नाम। इसलिए कभी कभी नाम अपराध से दूर हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अनर्थ रह जाता है, अनर्थ चार तरह का अनर्थ होता है, हैं? तो जब ये सब चीज को दूर करते हुए जब हम हरिनाम करेंगे ना, देखना ये हरिनाम से जो मांगोगे हरिनाम तुम्हें वही प्रदान करेंगे, है? इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया जो 10 तरह का जो नाम अपराध है, अगर कोई कोशिश करे अच्छे तरह से, हम किसी साधु को निंदा नहीं करेंगे, गुरु जी का प्रति अवज्ञा नहीं करेंगे,
और हम कभी हैं कभी हरि नाम की महिमा को समझ कर कहें, अगर कोई कोशिश करे नौ तरह का अपराध से दूर हो जाए, लेकिन एक अपराध है जिससे निकल पड़ा है। बोले वो क्या है? बोले कि शरीर का प्रतिरूप और मेरा, ये चीज को छोड़ना पड़ा। जो शरीर का आवेश है ना, ये शरीर का आवेश को छोड़ना कभी कभी कठिन होता है। मतलब फिर क्या करनी चाहिए, कैसे ये दूर होगा, तो उन्होंने उपाय बताए। अगर हर समय अगर हम हरिनाम करते रहेंगे, चलते फिरते घूमते बैठते, अगर हर समय सबके स्वभाव कर रहे हो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।